हे गाइस, होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी गैट बी एंड बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट बीईटी। सो एनटीए ने इसका नोटिफिकेशन भी आपको जारी कर दिया है। ये भी 10 मार्च को ही नोटिस निकला था 2023 में। नोटिफिकेशन में क्या बात की गई है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि एप्लीकेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं गैट बी एग्जामिनेशंस और बीटी 2023 एग्जामिनेशंस के लिए। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट गैट बी बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज यू नो, जिसको कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कंडक्ट कराता है एडमिशंस के लिए। और गैट बी के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है, बीटी के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है। इसको मैं सेपरेट वीडियो में आपके बात करूंगा डिटेल में कि गैट बी कौन कौन से लोग भर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। इस पे ऑल अबाउट गैट बी एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा एंड ऑल अबाउट बेट सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन जो आया था उसके बारे में जो है मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डेट, फी, ये सारी चीजें के लिए जो है प्रोसीजर्स के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, जरा देखेंगे आप तो क्या क्या है मेंशन किया गया। सो वेन एवर यू कैन सी दैट 10 मार्च से 31 मार्च तक जो है इसी ड्यूरेशन के बीच आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं अप टू 5 PM। याद रहे 31 मार्च इज द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ गैट बी और डीबीटी बीईटी फॉर्म। लास्ट डेट फॉर सबमिशन एग्जामिनेशन फी जो है वो 31 मार्च को ही 11:50 PM तक है। करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन ओनली। जो करेक्शन विंडो है पर्टिकुलर्स में आपके 3 से 4 अप्रैल यानी 2 ही दिन सिर्फ ओपन हो रहा है। सो ये चीज ध्यान रखे रहें कि इस दौरान ये डेट नोटिस कर ले, अगर कोई भी त्रुटि आपके फॉर्म में होती है उसको करेक्ट करने के लिए आप इसी टाइम के दौरान जो है सही कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो मेंशन किया गया है वो है 23rd अप्रैल संडे को। सो 23 अप्रैल को जो है एग्जाम होने वाला है डीबीटी का, या जिसको हम बीईटी के नाम से जानते हैं या गैट बी के नाम से जानते हैं। गैट बी और बीईटी दोनों अलग अलग एग्जामिनेशन से, याद रहे एक ही एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है। सो दोनों एग्जामिनेशंस चाहे आप गैट बी या बीईटी ले रहे हैं उसके हिसाब से। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट लगभग 3 घंटे। गैट बी का जो शेड्यूल है वो 9 to 12 PM है और बीईटी का जो शेड्यूल है वो 3 PM to 6 PM है। सेम डेट को ही एग्जाम है दोनों। सुबह के मीटिंग जो एग्जाम है वो गैट बी का है और शाम के मीटिंग जो एग्जामिनेशन है वो बीईटी का है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है जैसा कि आप लोग जानते हैं। मीडियम ऑफ जो क्वेश्चन पेपर है इन्होंने इंग्लिश दिया है एंड इंग्लिश होने का ये अच्छा फायदा होता है कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज है उसी पे आप तैयारी कर रहे हैं, उसी पे जो है आप एग्जाम देंगे। एज प्रिस्क्राइब्ड जो सिलेबस है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में उन्होंने दिया हुआ है कि किस सिलेबस पे आपको बात करना है। जो फी पेएबल के ऊपर अगर मेंशन करने की बात की जाए तो गैट बी के लिए जनरल, अनरिजर्व, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर्स एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 1200 पे करना है, बीटी के लिए भी 1200, और अगर आप दोनों भर रहे हैं तो 2400। जबकि SC ST के लिए जो है ये चीज अगर आप मेंशन करें तो 600, 600 एंड 1200 की कहानी आ जा रही है। मतलब अगर आप आधी फीस हो जा रही है एज कंपेयर टू द जनरल, अनरिजर्व, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि डीबीटी और बीटी एग्जामिनेशन के लिए दी गई है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ ऑनलाइन मोड में, ठीक है ना, चाहे गैट बीटी का हो या गैट का हो या बीईटी का हो या दोनों हो, सिर्फ ऑनलाइन मोड होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म एनी अदर मोड को एक्सेप्टेड नहीं है। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सबमिट करना है, एक, दोनों, जो भी आपको लगता है। एंड जो भी डिजायरेबल या जिसकी डिजायर है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से पढ़िए सारी चीजें और dbt.nta.ac.in पे जाके या nta.ac.in पे जाके फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। कोई क्वेरीज है तो इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं या इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट भी आपको नीचे मेंशन किया गया। सो ये रही बात आपके डीबीटी और बीईटी के लिए। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि फॉर्म फिलअप की जो एक बार समराइज तौर पर मैं बोल दूँ, 10 से 31 मार्च फॉर्म फिलअप का जो ड्यूरेशन है, 31 मार्च लास्ट डेट है, 3 से 4 अप्रैल करेक्शन विंडो है, 23 अप्रैल को एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन है, सुबह के मीटिंग 9 से 12 गैट बी का एग्जामिनेशन है, 3 से 6 बीटी का एग्जामिनेशन है। सो होप कि आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द डिटेल फॉर द गैट बी एंड द बीटी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।